जिंदाबाद जिंदाबाद। और सो सर नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और सो सर नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और सो सर नहीं चलेगा नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं इको गार्डन में और यहां पर पशुपालन विभाग के कुछ संविदा परिचालक चालक महोदय अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी क्या समस्या है, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज कुमार शर्मा है, मैं सीतापुर से आया हुआ हूँ और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के बहुद्देशी चालक पशुपालन विभाग के आए हुए हैं। इनकी समस्या ये है कि कुछ चालक 2016 में नियुक्त हुए थे और कुछ 17 में कुछ 18 में, अभी तक उन लोगों का पीएफ का खाता नंबर नहीं मिला है और ना तो ईएसआई का कार्ड मिला है। पैसा हर मंथ काटा जा रहा है और हम लोगों का 18% जीएसटी काटा जा रहा है। इस हिसाब से हम लोगों का शोषण हो रहा है। हम लोग चाहते ये शोषण बंद होना चाहिए। आज हम लोग जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, वहाँ अधिकारियों ने झूठी सांत्वना देकर कहा आप जाइए सेवा प्रदाता एजेंसी से निपटिए जाके। हम लोग अगर सेवा प्रदाता एजेंसी से निपटेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे नाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए हथियार उठाया था, संप्रभुता का क्या होगा? आप लोग समझ जाइएगा, ये हाल है। और मैं एक बार निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो लड़के काम नहीं, मैं काम नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा पूरा पैसा दे दिया जाएगा। 30 सितंबर को हमको बाहर किया जाएगा, बाहर कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा हमें वापस कर दिया जाए। मैं इष्ट भ्रष्ट सरकार में काम नहीं करना चाहता। जय हिंद जय भारत।